शुगर कमीशन के इल्जाम की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई। जीआईटी ने जहांगीर तरीन को बेटे समेत 19 सितंबर को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर कमीशन के इल्जाम की तहकीकात में पेशरफ सामने आई है और मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन को 19 सितंबर को FIA के लाहौर दफ्तर में तलबी का नोटिस जारी किया गया और इन्हें तमाम जरूरी दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत की गई। नोटिस में कहा गया कि अगर जहांगीर तरीन पेश ना हुए तो समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं। नोटिस में जहांगीर तरीन से JDW के जरिए अपने ही खानदान की मिल्कियत कंपनी JKT फॉर्मिंग सिस्टम लिमिटेड के असासे खरीदने के हवाले से तफसीलात तलब की गई है। ज़राए का कहना है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम जहांगीर तरीन के खिलाफ 4 बड़े इल्जाम की तहकीकात कर रही है। इन पर 15 अरब रुपए से जायद के कारपोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। जहांगीर तरीन पर ये इल्जाम शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए हैं। हुकूमत की हिदायत पर अब मुश्तरका तहकीकाती टीम इन इल्जाम की तहकीकात कर रही है।